गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डेथ ऑफ पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 32 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और उससे पहले के पार्ट्स अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो वो जाके जरूर देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्वेश्चन है अरुण भीम एंड नकुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये पैराग्राफ में है तो बच्चे डर भी जाते हैं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद इससे आसान क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं है। इजी है, पढ़ोगे एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। अब तुम्हें डेथ ऑफ पार्टनर तो तुम्हें आ गया है समझ में कि कैसे कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें आती हैं। सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, जो इस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसी का अकाउंट बनाना होता है। अरुण भीम नकुल पार्टनर है, शेयरिंग रेशो है 1:1:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स शो द फॉलोइंग बैलेंसेस, अरुण का है 2 लाख, भीम का है 1,50,000, नकुल का है 4,50,000। फर्म क्लोज कर रहा है अपने अकाउंट 31 मार्च को, भीम की डेथ हो रही है 31 मार्च, यानी कि साल के एंड में ही मर रहा है। दिन भी उसने बढ़िया चुना, कोई लफड़ा नहीं है, सीधा पूरे साल की कैलकुलेशन होनी है हर चीज की, पूरे 12 महीने की, सब कुछ लेके जाएगा अपने हिस्से का। लास्ट डेट पे ही मर रहा है ना, 31 मार्च को ही मर रहा है। देखो फट से, इन द इवेंट ऑफ डेथ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑफ द फॉलोइंग, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड डिसीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ 10% पर एनम, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट की बात करना, इतनी लंबी कहानी क्यों घुमा रखी। फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट डे कब होता है, 1 अप्रैल से, और जब तक वो मर रहा है तब तक का 10% का इंटरेस्ट। चलिए भाई ये तो हो ही रहा है। सेकंड पॉइंट, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, गुडविल निकालनी भी आपको आती है, पंगा नहीं है। तीसरा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड 31 मार्च 2021 वाज 1,60,000, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओहो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया था, उससे पहले का प्रॉफिट है 1,60,000, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, पंगा क्या है, कुछ भी नहीं। भीम को एग्जीक्यूटर वाज पेड टू सम ड्यू ऑन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, भीम को जो है उसके एग्जीक्यूटर को 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो आप, 1 इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर रहे हो, कितने इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, 2, उसके एग्जीक्यूटर को विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। प्रिपेयर द भीम कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2021 एंड टू बी प्रेजेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है और 2023 तक का बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहले यहां तक तो निकालें, एग्जीक्यूटर को भी बना ही लेंगे। तो सबसे पहले देखो इसकी कैपिटल कितनी है, बाय बैलेंस बीडी भीम की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। रिजर्व कुछ दिए नहीं है तो कुछ करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लाख 50,000 पे 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 15,000। 1,50,000 पे 10% के हिसाब से कितना आएगा, 1,50,000 10% कितना आएगा, 15,000। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखें गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल निकालना है आपको तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख और 1,60,000, 90,000 प्लस, बताते जाओ ना बेटा, 2 लाख प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 1,50,000। और गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एक लाख 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी आ जाएगी गुडविल, 3 लाख। और किसका शेयर है, भीम का, भीम का शेयर है 1/5 आएगा, 6,60,000 ये यार है, ठीक है। अब ये 60,000 को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है कौन कौन है, अरुण और नकुल, किस रेशो में बांटेंगे बताओ, 1:3 कितना आएगा,
15,000 और 45,000, 4 को डिवाइड करो 60 से, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, बाय अरुण कैपिटल और बाय नकुल कैपिटल, ठीक है, 15,000 और 45,000, ये आ गई आपकी गुडविल, ठीक है। अब आएगा लास्ट पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब देखो यहां सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालना है, वो कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 का था 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट था 1,60,000, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,60,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,60,000 में से 15,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 1,45,000, जिसमें भीम का शेयर निकालो, 1,45,000 का कितना हिस्सा है इसका, 1/5, कितना आ रहा है, 29,000, सही है कैलकुलेशन, समझ में आया, दोबारा समझाऊं एक बार और, आ गया एक बार और, ठीक है, देखा प्रॉफिट जो भीम को दे रहे हैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले हमारे पास 1,60,000 का प्रॉफिट था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, उसमें भीम का हिस्सा कितना है, 1/5, तो 1/5 निकाला हमारा कितना आ गया, 29,000, और तो कुछ देना नहीं है, अब टोटल करो इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000 प्लस 29,000, 2,54,000 आया, ये आ रहा है, और ये आ जाएगा टू बैलेंस ट्रांसफर टू भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, 2,54,000। एक और अकाउंट कराना है अभी, जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम दो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज दी थी, भीम का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, और बहुत ही आसान है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार बनाए कैसे, हाथ पैर फूल रहे हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है, ये वाला अकाउंट क्या रहा है वो उसमें ट्रांसफर कर दो, तो भीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया, यहाँ पे क्या है एग्जीक्यूटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, बाय भीम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और तारीख कौन सी आएगी, ये जो महीने के साल का एंड है, मरा कब वो, 31 मार्च 2021, 31 मार्च, 1 अप्रैल को ही कर लो इसे, एक ही बात है, 1/4/2021 को कैपिटल आई 2,54,000 की, क्या मैं मालूम यहां तक समझ में आ गया। अब उसने एक बात कही कि इसको दो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, कितने इंस्टॉलमेंट में करना है इसको, और विद इंटरेस्ट देना है 10% का, तो अगर आप इंस्टॉलमेंट निकालो बेटा, 2,54,000 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितनी आएगी इंस्टॉलमेंट, एक 2,54,000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 1,27,000, 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट 10% का, ये देना है, समझ में आया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बैठा, 31/3/2022 का बाय इंटरेस्ट, 2,54,000 पे 10% का इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा, 25,400, ठीक है, ये जोड़ दो, 2,54,000 पे 25,400 जोड़ोगे तो 279,400 आएगा, कितना आएगा, 279,400, और इसको 31/3/2022 को हमने पहली किस्त दे दी, इसको
टू कैश अकाउंट या बैंक पे लिख सकते हैं। अब देंगे कितना, 1,27,000 तो देना ही था और प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया था हमारा प्लस 25,400। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, देखो ये जो इंटरेस्ट देना था 10% तो इंटरेस्ट निकाला आपने, ये आया तो ये और ये जोड़ा था कितना अमाउंट हुआ, लेकिन हमें किस्त कितनी देनी है 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था 25,400, तो 1,27,000 प्लस 25,400 जोड़ दो 1,27,000 प्लस 25,400 152,400 152,400 और अमाउंट आ गया हमारा 2,79,400। रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या बच गया, बैलेंस। आप ध्यान रखना बैलेंस यही बचेगा 1,27,000 31/3/2022 1/4/2022 अब कितना बैलेंस बचा हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो कैरी डाउन आया 1,27,000। अब इंटरेस्ट बताओ कब निकलेगा, 31/3/2023 को इंटरेस्ट कितना लगेगा 1,27,000 का 10% निकालो 12,700। अब यही सारा पेमेंट हो जाएगा, 12,700 जोड़ो 1,27,000 में, 1,27,000 प्लस 12,700 139,700 139,700 और ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, इसको पेमेंट हो जाएगा टू कैश अकाउंट और कोई बैलेंस नहीं बचेगा। 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट है 12,700 तो ये आ जाएगा 139,700 और यहाँ पे जो बैलेंस है वो अब निल हो जाएगा। समझ में आया, तो ये जो पेमेंट हुई है वो 31/3/2023 को हमारा खाता खत्म हो गया। समझ में आ गया, कोई डाउट है फिर पूछ लो, ऑनलाइन वे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, रात को 9 बजे आपको देखने के लिए फिर मिलूंगा मैं आपको। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, रिप्लाई जरूर करूंगा और जल्दी कोशिश करूंगा उनकी एक वीडियो बना के अपलोड करूं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच, दिल से थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।